सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको एक ग्राफ पेपर दिख रहा होगा। पहले मैंने आपको अंग्रेजी के शब्द लिखने सिखाए थे ग्राफ पेपर पे, और उसमें ग्राफ आपका था 1x1 सेंटीमीटर का। आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ पेपर पे हिंदी के अक्षर लिखने, और हिंदी के अक्षर के लिए हमें ग्राफ पेपर जो है वो आधे सेंटीमीटर का चाहिए होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आधे सेंटीमीटर पे यहाँ पे निशान लगा रखे हैं दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, किधर को लाइनें मिला दी। फिर हमने यहाँ से भी आधे सेंटीमीटर पे निशान लगा करके दोनों साइड हमने क्रॉस मिला दिया है। और आप देख सकते हैं ये आपका ग्राफ पेपर बन गया है। या आप बाजार से भी ले सकते हैं, या फिर आप घर में भी खुद इस तरह का आप ग्राफ पेपर बना सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा 5 से 11 तक आपने कैसे लिखना है। स्वर जो आपके हिंदी के होते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए हमने जो इंग्लिश के अक्षर लिखे थे वो थे 3x5 सेंटीमीटर में, और जो ये आपके बनेंगे 7x6 में। कुछ अक्षर इसके 5 में भी बनते हैं, वो मैं बीच में आपको बता दूंगा कौन कौन से अक्षर बनते हैं। वैसे जो इसका रेशो है वो है 7x6 सेंटीमीटर में, या अगर आप उसका हाफ ले रहे हैं तो 3.5 और 3 में ये अक्षर सेंटीमीटर के हिसाब से बनता है। और खाने के ब्लॉक के हिसाब से जो ये बनते हैं ये हमारे बनेंगे 7x6 में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका ग्राफ है। मैं ऊपर पे यहाँ से दो तीन लाइनें मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि बाद में इसकी जो मात्राएं बनेंगी ए की ओ औ की उनके लिए, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर नीचे को बनेगा, इधर को जो ये 7 बनेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमने जैसे इसमें अ बनाना है, मैं सबसे आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो इसमें थोड़ा सा आप कर भी दे सकते हैं, पर मैं आपको सबसे आसान तरीके से सिखाऊंगा। जैसे हम यहाँ से पिछला ये जो आपका खाना है आप ब्लॉक कर देंगे इस तरह से आप देख रहे हैं, और नीचे आपका ये खाना यहाँ तक 6 तक है, तो यहाँ तक हम इसमें ये पूरी लाइन हम लगा देंगे इस तरह से। सबसे आसान जो तरीका है उसी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पर लाइन लगा देनी है, और आगे से जो है ये जो आपकी लाइन है ये मैंने यहाँ से हमने एक जो खाना आपका है ये ब्लॉक कर देना है, अगला हम खाली छोड़ देंगे, और ये लाइन हम जो है वो पूरी ऐसे बंद कर देंगे। यहाँ से इस तरह से ये खाना हम ब्लॉक कर देंगे, यहाँ से हम जो है आगे एक खाना हम आगे ले जाएंगे, और यहाँ से हम इसको ऐसे को, सबसे आसान है ये, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। देखो बड़ा सिंपल ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, और इस तरह से ये यहाँ से हम इसको एक स्टेप आगे उठा लेंगे इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम इसको बनाएंगे, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये आपका अ बन गया है। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मिला लूंगा इस तरह से, हम इसको यहाँ बना देंगे इस तरह से। आप इसको यहाँ तक सीधा भी ला सकते हैं, ऐसे भी आप इसको मिला सकते हैं, ये आपका अ बन गया है। इसी तरह से आपने अगला दूसरा अ जो है वो आपने इसी तरह से बनाना है इस तरह से। आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ अ बनाया था इसी तरह हमने अगला अ बना दिया है, और हमने अगर इसमें अ की मात्रा हमने लगानी है तो हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इतना सा कार्य करना है कि यहाँ पे हमने इसमें लाइन लगा देनी है इस तरह से। आगे से हम इस लाइन को यहाँ से बंद कर देंगे इस तरह से, और ये आपका दूसरा आ भी ऐसे बन जाएगा। अब हमने बनानी है ई। ई हम कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे फिर वैसे ही यहाँ से हम जो है एक खाना हम छोड़ देते हैं, तो हम यहाँ से लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये ई हमारी जो है वो 5 में ही बन जाएगी, इसको हमें आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो हम 6 में बना सकते हैं, नहीं तो ये 5 में भी हमारी ई बन जाती है। यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, 5 में हमारी ई जो है वो आसानी से ये बन जाती है, तो हम ई को जो है 5 में बना देंगे
तरह से एक खाना हम यहाँ पे छोड़ देंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पे हमने एक स्टेप आगे आना है और यहाँ पे हमने सिर्फ आधा ही आगे आना है, यहाँ पे हम डेढ़ आगे आ जाएंगे और यहाँ से हम जो है ये आधा ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से हम जो है इस आधा जो हमारा आया था ना ये यहाँ पे, इसको हम यहाँ से राउंड दे देंगे और यहाँ तक इसको जो है वो आगे ले आएंगे। ये आधा हमारा जो है वो यहाँ हम इसको आधे को मिला देंगे इस तरह से, और ये जो आपका आ रहा है इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ आधा ही हम नीचे ले जाएंगे यहाँ से एक खाने तक, और यहाँ से फिर हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये हमारा यहाँ तक आएगा, यहाँ से हमारा ये इस तरह से, और ये जो हमारा है वो ऐसे क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप सिर्फ एक खाना यहाँ से आप इस तरह से ऊपर आ जाइए और यहाँ पे आप ऊपर वाला खाना ब्लॉक कर दीजिए इस तरह से, यहाँ आपने खाली छोड़ देना। यहाँ से आप इस तरह से आधा ले जा करके यहाँ पे आप ऐसे गोलाई इसमें आगे से दे दीजिए। अब ये जो आपका आ रहा है ये आपका, हाँ यहाँ आधे से आपने यहाँ ये तीन के साथ यहाँ पे ऐसे आपने तीन के साथ मिला देना, और ये जो आपका आ रहा है ये आपने नीचे चार के साथ इस तरह से इसको मिला देना है। इस तरह से आपकी जो है वो ई आपकी है वो पाँच में ही बन जाएगी। ई के लिए आपने सात में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी पाँच में बन जाएगी। इसी तरह से जो आपने दूसरी ई बनानी है इसी तरह से अब दूसरी ई बना सकते हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं आधा यहाँ से आ गया, ये हमने यहाँ से डेढ़ ले लिया, ये भी हमने डेढ़ पे पूरी लाइन यहाँ से ऐसे लगा दी है। यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे इस तरह से, ये हम यहाँ से इतना ही ले जाएंगे नीचे जैसे मैंने पहले ई में आपको दिखाया है बताया है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको जो है वो पूरी शेप दे देंगे, यहाँ हम सिर्फ इसको एक ही खाने तक ऊपर ले आएंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ तिरछा डेढ़ के हिसाब से ऐसे गोलाई में मिला देंगे, और यहाँ से हम इसको तिरछा मिलाएंगे, यहाँ से हम इसको तिरछा मिलाएंगे इस तरह से। अब आपने यहाँ पे इसमें मात्रा बनानी है, तो मात्रा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से जैसे मात्रा आपकी लगती है आप सिंपल यहाँ से इस तरह से आप इसमें मात्रा लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको गोलाई में ले जाओ, ये देखिए यहाँ से आपकी ई की जो है वो मात्रा पीछे इसमें ऐसे लग जाएगी इस तरह से। तभी मैंने ऊपर जो है वो दो खाने छोड़ दिए थे। आप यहाँ से अगर आपने इतनी बड़ी मात्रा नहीं लगानी तो आप यहाँ से सिर्फ एक खाना ऊपर उठा दी, एक यहाँ से सामने ले जाओ, यहाँ से ऐसे सामने ले जाओ और इस तरह से ऊपर ले जाने की भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से यहीं से राउंड दे दो और आप इस तरह से इसको दो खाने में आप मात्रा बना सकते हैं। अब आपने बनाना है ऊ भी आपका पाँच में बनेगा। ऊ के लिए आपने जीरो एक दो तीन चार पाँच, तो ये आपका पाँच वाला खाना है। तो आपने यहाँ से पाँच वाला जो खाना है वहाँ तक आपने लाइन लगानी है इस तरह से, और ये जो आपकी है ये भी लाइन आपकी पूरी आएगी, यहाँ तक ये आपकी लाइन आएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली ही आपका है यहाँ से आपने लाइन लगानी है, यहाँ से आपने लाइन लगा। पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ फिर थोड़ा सा इसमें कर्व में इसमें दे दूँगा। यहाँ से आपने ऐसे ये आपने क्रॉस करना है, लास्ट लाइन हमारी ये है, ये आपका है जीरो दो तीन चार पाँच। यहाँ से आपने ये पूरा ब्लॉक और ये चार वाला ब्लॉक आपने घेर देना है, यहाँ से आप ऊपर लेके आओ इसको। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से जो है आपने ऊपर लाइन लेके आनी है, और ये लाइन हम दो खाने तक हम जो है ऊपर लेके आएंगे। यहाँ से आपने यहाँ तक लेके जानी है, यहाँ से आप इसको तिरछा क्रॉस कर दो इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आपका, ये देखिए आपका ऊ जो है वो बन गया है। अगर आप इसको और ज़्यादा कर्व देना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस दे दो, फिर यहाँ से क्रॉस दे दो, तो ये क्रॉस वाला जो बन जाता है, बीच से आप यहाँ से लाइन इसकी मिटा भी सकते हैं, वो बात की बात है। इस तरह से आपका ऊ जो है वो बन जाता है। अब अगर आपने बड़ा ऊ बनाना है उसके लिए जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, फिर आपको सात खाने छोड़ने पड़ेंगे। अब आपने यहाँ से इसमें मात्रा लगानी अगर है तो ये जो आपका है ये वाला खाना आपका है, ये मैं अगर आपको बताऊँ एक दो तीन चार पाँच, तो ये आपका चार वाला जो खाना है ये यहाँ से आपने क्रॉस ले जाना, ये सीधा कर लेना यहाँ से इस तरह से। ये जो खाना आपका आएगा ये यहाँ तक आएगा,
यहाँ से इस तरह से, और आप इस तरह से यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें ऊ की मात्रा लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊ की आपकी मात्रा आ गई है। तो आ आ ई ई ऊ ऊ। अब आपने बनाना है री। अब हम यहाँ पे री कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊँ। री भी हमारी साथ में बनेगी। तो ये हमारा जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। हम इस लाइन को पूरा डार्क कर देंगे यहाँ से, ये लाइन। यहाँ से हमने तीन तक ऊपर के जो खाने हैं, पहले खाने तीन तक, और यहाँ पीछे हम पूरा डार्क कर देंगे। यहाँ से हमने दो खाने, वैसे एक खाना बीच का हम छोड़ देंगे, और यहाँ से अगले जो दो खाने हैं वो हम ऐसे ब्लॉक कर देंगे। वो हमारे पास ये जो खाना आपका है, लास्ट खाना है, इसको हम यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगे। इस खाने को हम यहाँ तक हल्का भी क्रॉस करेंगे, हम डार्क नहीं लगाएंगे। और यहाँ से हम जो है ये पूरा खाना ब्लॉक कर करके यहाँ से दो, और फिर यहाँ से तिरछा से मिला देंगे। यहाँ से हम जो है दो, और फिर हम इसको तिरछा से मिलाएंगे। जहाँ पर ये मिल रहा है ये, इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे इस तरह से। अब हमने री बनानी है। री बनाने के लिए हम पहले जो ये आपका खाना है इसको हम पूरा ऐसे क्रॉस करेंगे। यहाँ से जो है हम वो राउंड शेप घुमा देंगे इस तरह से, और ये हम जो है तिरछा यहाँ मिला देंगे। इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ से भी हम तिरछा मिला देंगे आगे इस तरह से। ये आपका री बन गया। अब यहाँ से हमने री की मात्रा अगर हमने बनानी है, तो हम री की मात्रा कैसे बनाएंगे। यहाँ से हम जो है वो ऊपर क्रॉस करेंगे तिरछा इस तरह से, और यहाँ पे हम जो है वो यहाँ फिर हम क्रॉस कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो ये हमारी जो है वो री की मात्रा जो है वो बन जाएगी। इस तरह से हमारी री बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें ए बनाएंगे। ए हम कैसे बनाएंगे, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच में ही हमारी बनेगी। ये आपका जीरो आ गया, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, नीचे छः तक बनेगी। यहाँ से हम ये पूरी लाइन जो है वो ऐसे डार्क कर देंगे। यहाँ से हम जो है वो इस तरह से एक, यहाँ से भी हम नीचे एक एक खाली छोड़ देंगे, और बीच के जो ये दो खाने हैं इनको हम ऐसे ब्लॉक कर देंगे। यहाँ से हम जो है वो लाइन लगाएंगे आगे तीन तक, दो तक ही आएगी, यहाँ पर दो तक आएगी, और यहाँ पर हम जो है इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे इस तरह से। ये जो आपकी लाइन आएगी ये भी आ गई आपकी चार तक आएगी, ये भी आपकी चार तक आएगी, ये आपका छः आ रहा है, तो ये यहाँ मिलेगी आपकी। ये रेखा हमारी यहाँ मिलनी है, ये हमारी रेखा यहाँ मिलनी है। तो यहाँ से हम इस रेखा को इस तरह से ऐसे मिला देंगे, तो ये आपकी ए जो है वो ऐसे आपकी ए बन जाएगी इस तरह से। अब आपने ए के बाद आई अगर बनानी है, आई आप कैसे बनाएंगे, पाँच, आपने जैसे हमने ए बनाई थी वैसे ही हमारी आई बनेगी। तो इसमें मात्रा लगनी है आपकी है, इस तरह से। चार तक यहाँ से हम ऐसे क्रॉस करेंगे, और इस क्रॉस को जो है हम वो यहाँ तक भी नीचे ला सकते हैं। ये हमारी ऐसे बनेगी, और यहाँ से ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पे अब आपने मात्रा लगानी है। ये आपका चार है, चार और तीन वाला जो खाना है इसको हम ऐसे ब्लॉक करेंगे, और यहाँ से हम आधे से मिला देंगे इस तरह से, आधे से। और जो ये आपका ब्लॉक है इसको हम जो है वो गोल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये आपकी यहाँ पर मात्रा जो है लग जाएगी ए आई। अब ओ आओ ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ मात्राएं लगनी है, और फिर अंग आ भी ऐसे ही बने, उन्हों भी इसी तरह से बनने। तो उसको ज़्यादा बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि आ और ओ जो है सिर्फ इसमें मात्रा ही ऊपर लगनी है, और मात्राएं आपकी इसी तरह से आपकी आगे लगनी है। तो मेरे हिसाब से ये जो आपके अक्षर है वो बन के तैयार हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपनी ड्राइंग फाइल पर भी इसी तरह से अंग आ तक पूरे अक्षर बनाने हैं, और बढ़िया कलर करके आपने सजाना है इसको। ये आपके स्वर जो है वो पूरे कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में मैं आपको क वर्ग के जो जितने भी पांच अक्षर होते हैं वो बनाऊंगा, और उसको भी आपने इसी तरह से फिर आगे अच्छे से बनाना है।